मेरा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, टूरिस्ट वीजे के बारे। टूरिस्ट वीजे के बहुत ही कैंडिडेट कंफ्यूज ने, जो कि स्पॉन्सर लैटर मंगवाते हैं रिजेक्ट आ जाता वीजा। अपॉइंटमेंट लेने हैं आपां नूं अंबेसी दे विच बड़ी प्रॉब्लम आती है, जां सानूं अपॉइंटमेंट कि लैनी चाहिए है। कल्ली कल्ली चीज मैं इस वीडियो दे विच डिस्कस करूंगा। जे तुहाडा वीजा पहला रिजेक्ट है, जां तुसी शैनेगन का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हो, जां तुसी कैनेडा का, आस्ट्रेलिया का, बट मैं इस वीडियो दे विच ओनली ऑन टूरिस्ट वीजे के बारे ही गल करूंगा। मेन टॉपिक है अपना शैनेगन टूरिस्ट वीजे के बारे। सब तो मेन चीज टॉपिक यह है कि जदों आपां टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना, आपां नूं अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, तुसी इत्थे किसी भी तरह के कोई भी ऑक्यूपेशन आ तुहाडी, तुसी कोई जॉब करते हो, तुसी गवर्नमेंट जॉब इंप्लाई हो, तुसी एग्रीकल्चर करते हो, या किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस है, ए बी सी डी किसी भी तरह का कोई तुसी, वो अलग चीज टॉपिक है। मेरे कहने का मतलब तुसी अपने सारे डॉक्यूमेंट अटैच करते, तुसी उधरों किसी भी तरह का कोई भी स्पॉन्सर लैटर, कोई भी इनविटेशन लैटर या कोई भी नहीं मंगवाया, तुसी सीधा टूरिस्ट वीजे की अपॉइंटमेंट लैनी है। जे तुसी किसी भी तरह का कोई भी स्पॉन्सर लैटर या इनविटेशन लैटर नहीं मंगवाया, दैन तुसी जो अपॉइंटमेंट बुक करनी है वो टूरिस्ट वीजे की बुक करनी है। उस तो बाद जदों अपने कोले एक इनविटेशन लैटर आ जांदा है जां एक स्पोंसरशिप लैटर आ जांदा है, उस दे विच आपां अपॉइंटमेंट लै लैने हैं टूरिस्ट वीजे दी। टूरिस्ट वीजे का मतलब हुंदा है कि मैं इस कंट्री दे विच इस स्थान दे विच घूमन फिरन दे लई जा रहे हैं। तुसी उस दे विच देख के इंटरनेट तो मार के कॉपी पेस्ट कवरिंग लैटर दे विच, जी मैं इत्थे पैरिस जाऊंगा, जी मैं इत्थे जाऊंगा, जी मैं इटली च इत्थे जाऊंगा, तुसी एबीसी सब कुछ वो मैंशन कर देने हो गूगल ते मार को सर्च कवरिंग लैटर दे विच। बट वो एक चंगा, एक वैलिड, वो एक सही प्रभाव नहीं पैंदा। कवरिंग लैटर की हुंदा है कि तुसी अंबेसी ऑफिसर नूं कॉल नहीं कर सकते, तुसी उन्हों मेल नहीं कर सकते, तुसी कोई दस नहीं सकते। सो कवरिंग लैटर का मतलब यह है कि तुसी उस कवरिंग लैटर दे विच्चों दस सको कि मैं तुहानूं अपनी फाइल नूं किवें रिप्रेजेंट करना चाहना। सो मेरा कहण का मतलब यह टॉपिक है कि जिहड़ी कि तुसी अपॉइंटमेंट लैनी है, जे तुसी तुहाडे कोले किसी भी तरह का कोई इनविटेशन लैटर जां कोई आपां कह दें कि स्पोंसर लैटर आ जाता, स्पोंसरशिप लैटर, दैन तुसी अपॉइंटमेंट अपनी बुक करो विजिटिंग एंड फ्रेंड की। वह भी एक तरह का टूरिस्ट वीजा है, बट स्लोट अलग अलग होंगे है। टूरिस्ट वीजे का स्लोट अलग होंगे, विजिटिंग एंड फैमिली फ्रेंड का अलग होंगे। जे तुसी अपने किसी फ्रेंड नूं, तुसी अपने किसी भी तरह के कोई भी रैलेटिव नूं मिलन जाना है, दैन थोड़ी जो अपॉइंटमेंट बुक होगी वह विजिटिंग एंड फैमिली फ्रेंड की बुक होगी। उस दे विच तुसी मेन रीज़न यही पाउणा है कि मैं उत्थे क्यों जा रहे हैं, उत्थे ज़्यादा घुमाउणा नहीं। आपां घुमाउण लग जाने हैं कि जी मैं इत्थे घूमूंगा, मैं उत्थे घूमूंगा। सो घूमन फिरन का वेरवा पाउणा है, वह एक जस्ट एक नॉर्मल एक हिंट देना है कि जे मैनू टाइम लग्या। हुण देखो मैं कहूँगा मैं उस कंट्री जाऊँगा, दैन घूमन फिरन एक नॉर्मल चीज़ है, बट तुसी एक स्पैशल घूमन फिरन नहीं जा रहे। तुहानू एक परसन ने इनवाइट किया, उसका रीज़न की है, उसका रीज़न उन्होंने एक्सप्लेन करो कि मैं इस कंट्री दे विच विजिटिंग लई जा रहा, क्योंकि उन्होंने मैनू इनवाइट किया फॉर ए बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी दे विच वैसे कोई ज़्यादा कोई वैलिड रीज़न नहीं होंदा, कोई भी एक चंगा या रीज़न दो, आपां थोड़ी फाइल देख के आपां देख सकते हैं। दूजी चीज़ बड़ी प्रॉब्लम आती है जदों आपां अपॉइंटमेंट लैने हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं इटली की गल करूँगा, आपां टूरिस्ट वीजे की अपॉइंटमेंट लैनी है, थो थो थोनू उतों थोड़े फ्रेंड नू
इनविटेशन लैटर आया, स्पोंसरशिप आई है, थोड़ी मान लो सिस्टर ने भेजी है, ब्रदर ने भेजी है, आप अपॉइंटमेंट बुक करांगे विजिटिंग एंड फैमिली फ्रेंड दी, बट उस दे विच स्लॉट अवेलेबल नहीं होंदा। जदों स्लॉट अवेलेबल नहीं होंदा तां तुसीं अपनी अपॉइंटमेंट चुप करके टूरिस्ट वीजे की बुक कर दो। दैन तुसीं अंबैसी ऑफिसर नूं फाइल जमा करवाओ, वह कहणगे जी तुसीं अपनी फाइल दे विच जो अपॉइंटमेंट लैनी सी वो विजिटिंग एंड फैमिली फ्रेंड की अपॉइंटमेंट लैनी सी, बट तुसीं जो अपॉइंटमेंट ली है वह टूरिस्ट वीजे की ली है, असीं थोड़ी फाइल नहीं लवांगे। उन्हां नूं सीधा कहो कि जो विजिटिंग एंड फैमिली दी अपॉइंटमेंट है वह अवेलेबल नहीं है, सो दैन मैं टूरिस्ट वीजे की अपॉइंटमेंट ली है। उस तो बाद उन्हां कोले उन्हां दे हाथ विच हुंदा है, वह अपने पेन नाल जां मार्क कर देंदे है टूरिस्ट वीजे नूं कट के, उत्थे विजिटिंग एंड फैमिली फ्रेंड लिख देंदे हुंदे है, क्योंकि वह तुहानूं डराउणगे कि तुहाडी रिजैक्शन आजूगी जी, तुसीं विजिटिंग एंड फैमिली फ्रेंड की अपॉइंटमेंट लैके आओ, बट उस दे उन्हां चीज़ां दे विच गल्लां दे विच ना आयो, क्योंकि जो तुहाडी फाइल लगनी है उन्होंने एक जस्ट जमा करनी है, उन्होंने एक सिर्फ एक अपॉइंटमेंट जिहड़ी हुंदी आ, अपॉइंटमेंट का मतलब है कि थोड़ी एक फाइल जमा होनी, बट वीज़ा जिहड़ा आना है वह थोड़ी फाइल नूं आना है। तुसीं इहदा कोई मैटर नहीं कि थोड़ी अपॉइंटमेंट टूरिस्ट वीज़े दी सी जां तुसीं विजिटिंग एंड फैमिली फ्रेंड दे उत्ते जमा करा रहे हो, बट मेरे कहण दा मतलब यह है कि तुसीं उन्हां दीआं गल्लां विच आ के उत्थों वापस ना आयो, ना रिटर्न करो, जिहड़ी भी मिलती है जिवें भी मिलती है तुसीं अपनी अपॉइंटमेंट लै के तुसीं अपने फाइल नूं जमा करवाओ। सो यह चीज़ां टूरिस्ट वीज़े दे विच होंदियां है, सो टूरिस्ट वीज़े दे विच कदे भी ये चीज़ां कॉपी पेस्ट नहीं मारनियां कि जी असीं इत्थे घूमण जावांगे जी आ इन्ना प्लेस है। सो इस दे विच एक होटल बुकिंग होणगी, होटल बुकिंग दा वेरवा लाओ, उसका कॉलम बनाओ, उसका मोबाइल नंबर जो उन्होंने मोबाइल नंबर है वह लिखो, एड्रैस लिखो, एंड एक हैल्थ इंश्योरेंस जरूर बनाओ, हैल्थ इंश्योरेंस का प्रोपर डिटेल आइटनरी बनाओ, आइटनरी दे विच अपनी डिटेल दो, जे तुसीं अपने फादर दे डाकूमेंट अटैच कर रहे हो नाल, एक फैमिली वालों या फादर वालों एक एफीडेविट ऑफ सपोर्ट लिखो लगवाओ कि मैनू मेरे फादर साहब सपोर्ट कर रहे हैं फाइनैशियली, दैन तुसीं अपनी फाइल नूं जमा करवाओ। एंड एक चीज़ होर, कई बार की अपने मन च डाउट हुंदा कि जदों अपना वीज़ा रिजैक्ट हो जाता है अपने मन च हुंदा कि यार उहदे ते लिखिया होया कि असीं अपील कर सकते हैं, अपील करन दी गलती ना करो, अपील करोगे उन्हां नूं डाकूमेंट कोरियर करने पैणगे, वेरीफाई करने पैणगे, मतलब कि उहदे विच टोटल ही हरासमेंट है, वेस्ट ऑफ टाइम है, कोई ऐसा पैसा नहीं लगता बट टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है। वीज़ा जे रिजैक्ट हो गया उहदा मतलब यह नहीं कि चलो जी मैं ट्रैवल सिंगापुर करना डुबई कर ला हुण वीज़ा लग जू, नहीं आए वीज़े नहीं लगते होंगे। जे तुसीं करना है दैन तुसीं एक बार अप्लाई करो, दैन तुसीं अपना जो ध्यान देना अपनी आई टी आर से ध्यान देना कि थोड़ी इनकम टैक्स की आई टी आर जो 5 लाख की भरी है तो 6 लाख की भरवाओ, जो बैंक बैलेंस ट्रांजैक्शन घट तो वध भरवाओ, जो थोड़ी सैलरी 25,000 आती है तो तुसीं उसनू किसी कह कहा कि 35,000 करवाओ। इस चीज़ों पर ध्यान होगा ना कि इस चीज़ों पर ध्यान होगा जी मैं दुबई जाया मैं सिंगापुर जाया, जो ट्रैवल हिस्ट्री करनी है तो तुहानू घट्टो घट 10 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री करके फिर कित जाके होगा, घट्टो घट 5 लाख रुपया एक्सपेंसिव करना पवेगा। सो दिस इज़ वेरी वेरी टफ पॉइंट, सो मेरी गल नूं ध्यान नाल समझो, मेरे चैनल नूं लाइक ते शेयर एंड सबसक्राइब जरूर करो। सत श्री अकाल जी।